गाइस, आप लोगों को भी ऐसा पार्टी सप्ताह खाना है गर्मा गर्म, तो वीडियो को एंड तक देखिए और लाइक शेयर जो भी है तो गाइस, ये है गुड़, ये है खजूर की रस से निकाला जाता है इसको। तो इसको मैं काट लूंगी, पहले ऐसा छोटा छोटा कर लूंगी थोड़ा। देखिए बहुत ही आसानी से कट जाता है, तो ऐसे करके मैं कर लूंगी। ग्राम ले लिया है गुड़, जो खजूर का होता है, तो वो बहुत ही टेस्ट लगता है। तो इसको मैं स्मैश कर लूंगी आराम से, और यहाँ पर डालूंगी मिल्क। एक कप मिल्क डाला मैंने, और आराम से इसको मिक्स कर। तो गाइस, ये है चावल का फ्लोर, तो मैं एक कप डाल रही हूँ चावल का फ्लोर। थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते जाऊंगी, और इसी के साथ मैदा दे दूंगी एक कप। आराम से मिलाते जाऊंगी, अच्छा स्मूथ बैटर बना लूंगी, और मैदा भी डालूंगी एक कप। थोड़ा थोड़ा करके मिलाते जाऊंगी, इसमें ऐसे घुमा घुमा करके मिक्स कर लूंगी। तो मैं थोड़ा घी के लिए बेटर अच्छे बनने के लिए पानी मिला लूंगी यहाँ पर, थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा नहीं देना चाहिए। तो थोड़ा हल्का गर्म पानी दिया मैंने, थोड़ा थोड़ा करके जितना चाहिए। तो मेरा बेटर की कंसिस्टेंसी ऐसा है, देखिए बिल्कुल इस टाइप से बनाना पड़ेगा। ज़्यादा गाढ़ा हो ना तो थोड़ा सा पानी दीजिएगा, और भी तो इस टाइप से बनाना पड़ेगा। तो मेरा हो गया है, ये आधा घंटे के लिए मैं ढक दूंगी, ढक के रखूंगी अच्छी तरह। फिर उसके बाद आधा घंटे के बाद बनाऊंगी। और बेटर के लिए नारियल फोड़ना है, और तो नारियल को मैं फोड़ दूंगी, फोड़ना बोलती है ना, तोड़ना, तोड़ूंगी या फोड़ूंगी जो भी है तोड़ दिया। तो ऐसा है नारियल, तो इसको मैं अब यहाँ पे निकालूंगी अच्छी तरह, थोड़ा थोड़ा करके निकल रही हूँ। तो देखते जाइए। तो गाइस, ये हो गया मेरा नारियल निकलना, तो मैं अब इसको कढ़ाई में डालूंगी। तो मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा हो गया, नहीं किया हो जाएगा, तो मैं बाटी में रख लिया, चटनी वगैरह बना के खाऊंगी दूसरे दिन। तो मैंने अभी तक गैस ऑन नहीं किया, तो कढ़ाई में डाल रही हूँ, डायरेक्ट गुड़ डाल दिया मैंने। गुड़ मेरा थोड़ा कम है, मुझे लगता है कम हो जाएगा ना क्या, क्योंकि पार्टी सप्ताह में ज़्यादा मीठा अच्छा लगता है, थोड़ा ज़्यादा पसंद है मुझे मीठा। तो मैं चीनी डालूंगी, क्योंकि मेरे पास गुड़ उतना है नहीं, मेरा एक ही तो लाया था मैं बाज़ार से गुड़, ज़्यादा नहीं लाया था, क्योंकि ये बहुत दिन तक नहीं रहता है, फंगस आ जाती है ये गुड़ ज़्यादा दिन तक रखने से, तो इसलिए मैं थोड़ा ही ले के आया। मिला चुकी हूँ, देखिए गुड़ और चीनी को एक साथ मिला चुकी हूँ मैं। तो ऐसे होने से बहुत ही अच्छा लगता है, और टेस्टी भी ज़्यादा होता है। तो हो गया, अब मैं इसे गर्म कर लूँगी। तो मैंने गैस ऑन कर लिया, और इसको मैं फ्राई कर लूँगी, फ्राई मतलब भून लूँगी, अच्छी तरह से भूनूंगी यहाँ इसको। तो मैंने एक बाउल में मिल्क लेके रखा है, एक कप जैसा मिल्क है, वहाँ पर मैं जो राइस का जो फ्लोर होता है वो डालूंगी, एक चम्मच, डेढ़ चम्मच डालूंगी, एक चम्मच से ज़्यादा, थोड़ा ये तो ज़्यादा ही कम हो गया है, और थोड़ा डालूंगी मैं। हाँ, तो इसको अच्छी तरह से मिला लूंगी, मिलाना हो चुका है, अब मैं यहाँ पर डालूंगी थोड़ा थोड़ा करके, और अच्छी तरह से भून लूंगी मैं इनको।
तो मेरा ये चावल का फ्लोर देने का मतलब ये है, चिपक के रह जाता है आराम से, और मिल्क देने के बजाय ये होता है कि बहुत ही टेस्टी फ्लेवर आ जाता है। मेरा नारियल भुना हो गया, अब मैं तवा बैठा दिया, और तवा के ऊपर में नॉनस्टिक का तवा है ये, तो यहाँ पर थोड़ा सा हल्का में इस तरह से तेल, सफ़ेद जो रिफाइन ऑयल होता है वही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा डाल लिया और यहाँ से थोड़ा दे दूँगी। तो मैं यहाँ पर बैटर डाल दूँगी, तो एक स्टाइल है ये इसे बनाना, घुमा घुमा कर तवा को इसे घुमाते जाओ तो ये स्प्रेड हो जाता है अच्छी तरह से, तो ऐसे बन जाता है। तो आँच को मैंने एकदम धीमी रखा, धीमी मीडियम टू लो ऐसे आँच देना चाहिए, तो मीडियम टू लो आँच में ही पकाना चाहिए इसको, नहीं तो जल जाएगा, जलने के की होता चांस होता है ज़्यादा। तो मैं अब इसमें थोड़ा हो गया है ऊपर की साइड, तो स्टफिंग डाल दूँगी मैं, तो अच्छी तरह से स्टफिंग लगा लूँगी देखिए इस तरह से, और थोड़ा थोड़ा करके घूम पलट दूँगी। देखिए हो गया है मेरा उस साइड, और ये पलट हो जाते ही मतलब हो जाता है, जल्दी हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी हो जाते हैं। अगर किसी को कच्चा रहने का डर होता है तो वो ढक भी दे सकते हैं। दूसरा मैं दिखाऊंगी, ये इसी करके मैं बनाऊंगी, और थोड़ा लगाऊंगी हल्का तेल, और वहाँ पे मैं बैटर डाल दूँगी। तो जो ये हाँ इसी से इसे घुमा घुमा करके मैं बैटर को स्प्रेड कर दूँगी। देखिए इसे भी कर सकते हैं आप लोग। तो मैं थोड़ा इसको बॉयल होने के लिए रख दूंगी, अगर कोई किसी को डर है तो कच्चा नहीं रहता है ये। तो हो गया ऊपर का साइड दिखे, तो इसको मैं स्टफिंग देके फिर इसी तरह से पलट लूंगी। थोड़ा हल्के हाथ से पलटना पड़ेगा ये, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, सॉफ्ट नरम हो जाता है। तो देखिए कितना सुंदर करके बन रहा है मेरा पार्टी सबका, खाने में भी जितना ये सॉफ्ट होता है देखने। ढक देती हूँ थोड़ा, दो मिनट के लिए। ढकने की वजह ये है कि ये अच्छी तरह बॉयल हो जाए। तो गाइस मेरा है पाटी सप्टा रेडी, खाने के लिए तैयार, तो खा के देखते हैं। तो गाइस लाइक और शेयर ज़रूर करना, कमेंट जो भी है सब कर देना प्लीज़। तो गाइस बाज़ार जाइए, विंटर की सीजन है, तो खजूर का गुड़ अवेलेबल है बाज़ार में, लेके आइए और गर्मा गर्म पाटी सप्टा बनाइए और खाइए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।